dear students, I am your English teacher Mr. Tariq Ahmed and today we are going to read the um, next paragraph of the essay or we can say the lesson National Prejudice written by Oliver Goldsmith. You know dear students, um, Oliver Goldsmith discussed about uh, the National Prejudice. You know the National Prejudice means when a person is having unreasonable opinion or feeling about one's country. especially इस्पेली फॉर्मड विदाउट एनफ थाट or नॉलेज और इन उर्दू विकन से हम मैलान खातिर बता सकते हैं या हम बता सकते हैं कि जब किसी आदमी को अपने मुल्क के बारे में इतनी मोहब्बत हो यानी ज़्यादा मोहब्बत हो लेकिन आ, वो ये नहीं जानता कि उसे इस मोहब्बत अपने मुल्क की तरफ क्यों ऐसा मोहब्बत है तो ये जो और जो मुसनफ़ है वो समझता है कि ये जो कौमी तरफ है ये एक बहुत बड़ी लानत है इसने ऊँचे इसने ऊँचे नीचे सारे लोगों के दिमागों में जहर भर दिया है यानी वो समझता है कि कौमी तरबदारी के जज्बे का मौजूदा होना एक घटिया दिमाग और विचारधारा की कीमत है तो इसी तरह जब आ, आ, उस काफ़ी शॉप में उसे एक अंग्रेज़ मिलता है वो अंग्रेज़ कमांडी अंग्रेज़ था वो कहता था कि जो डच लोग होते हैं वो लालच होते हैं और फ्रांस के लोग होते हैं जो वो खुश्यामत होते हैं जर्मनी के लोग शराबी और पीटू होते हैं और स्पेन के बाशिंदान गमंडी और लालच होते हैं तो इस पर जो मुशनफ़ हैं वो उसको बताता है कि ऐसा नहीं है जो आपके ख़्याल हैं वो बिल्कुल मेरे ख्याल से मुनासिबत नहीं रखते हैं तो शायर मुनफा ख़ ख़्याल है कि डच लोग अंग्रेज़ों के नस्बत ज़्यादा किफातशार और मेहनती होते हैं फ्रांसीसी लोग ज़्यादा तोजन वाले जर्मनी के लोग ज़्यादा ताकतवर और न थकने वाले मेहनती लोग होते हैं इस तरह वो उस बताता है कि स्पेन के लोग स्पेन के जो बाशिंदान हैं वो पुरसकून होते हैं तो अंग्रेज़ों के बारे में मुसनफरमाता है कि जो वो जलदबाज जलदबाज होते हैं तो इस ये बात जानकर जो अंग्रेज़ वहाँ था उससे बहुत गु़स्सा आता है तो वो समझता है कि किस तरह से एक इंसान एक मुल्क पर रह सकता है कि जिसे अपने मुल्क से प्यार नहीं और वो अपने मुल्क से प्यार नहीं और वो दूसरे और हुकूमत उसकी उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती इस तरह के हम देखते हैं कि हमारे मुल्क पर भी ऐसा है कि जो कोई बात बताता है सच बताता है उसे एंटी नेशनल भी कहा जाता है ये वर्ड आप आज भी समझ होंगे और ये बात आज भी चल रही है इस तरह जो बातें जर्मनी में भी चली थी जिससे फिर आप जानते कि हिटलर के ज़माने में पूरा जनोसाइड होगा ये एक फेसिस्ट आइडियालॉजी है और ये नेशनल पोज एक समझो एक फैसिस फेसिस्ट आइडियालॉजी है जिससे लोग बर्बाद हो जाते हैं और एक सारी कौम और तबाह बर्बाद हो जाती है तो यहाँ पर जो राइटर हमें बताता है नाव अ लुक ऑन दिस वेरी पैराग्राफ देस फ्रिज डिस प्रिवेल ऑनली एमंग द मीनस्ट एंड द लोवेस्ट ऑफ द पीपल पर माइट Might be excused, as they have few of any opportunity of correcting them by reading, travelling, or conversating with the foreigners. But the misfortune is that they in infect the mind and in influence the conduct even of the gentlemen, of those I mean, who have very little to his appellation but an exempt, exemption from the prejudice, which, however, in my opinion, ought to be regarded as the rhetoric of a gentleman. For let man, birth be ever so high his station, ever so be exalted, or his fortune, or ever so large, yet he is not free from national and other prejudices. I should make bold to tell him that he had lower and vulgar mind, and he had no just claim to the character of a gentleman. And to यहाँ writer बता है कि जो writer बता है कि यही बात यही बात ही नहीं है कि पढ़े लिखे होते हैं पढ़े लिखे जो लोग होते हैं आ, अगर वो भी इस आ, दलदले में फंस चुके हैं वो नेशनल प्रज में फंस चुके हैं तो यहाँ पर राइटर फलवाता है कि हम ये नहीं कहेंगे कि कुछ लोग हैं जैसे कि कुछ अनएकेटेड लोग हैं अगर उनमें नेशनल प्रज होगा क्या तो वो कोई बात नहीं क्योंकि उनको दूसरी जगह पे जाने के मौक़े नहीं मिलते उन्हें पढ़ने का मौाक़े नहीं मिलते हैं या उनको दूसरे लोगों से बात करने या फ़ारे से बात करने का के मौके नहीं मिलते हैं लेकिन ये भी जो अगर उनके दिमाग में यही बात हो फिर भी वो दूसरे लोगों के माइंड्स को दूसरे दिमाग माइंड्स को इन्फ्लुएंस करते हैं तो राइटर फरमाता है कि अगर इस तरह की बातें अगर जेंटल मैन हो यानी एजुकेटेड मैन में हो तो मैं समझता हूँ कि ये एक हकीर बात है क्योंकि अगर उनके पास इतनी दौलत हो इतनी वो हाई हो इतनी उनके पास तालीम हो या इतने बड़े ख़ानदान से वो तालक रखते हों या, या वो यानी अगर वो बड़े ख़ानदान से यानी बर्थ से भी बहुत बड़े हों लेकिन फिर भी अगर उनमें नेशनल प्रजा कौमी तरफदारी हो तो मैं समझता हूँ मैं उनको बताता हूँ कि वो एक बुरा दिमाग रखते हैं और उन्हें कोई हक नहीं है वो ये समझें कि वो एजुकेटेड लोग हैं And in fact, you will always find that those are most apt to boast of national merit who have little or no merit of their own to depend on that which, to be sure, nothing is more natural the cylinder of wine twisted around the shred oak for no other reason in the world. But because it has not been sufficient to support it. The same is the case with this. The writer says about this that the person who is having um, uh, this national prejudice nil they, uh, they at the bottom. And uh, the writer says they have no means to correct themselves. But the pity is um, uh, that the educated people have become victims of this national prejudice. Uh, मैन ऑफ विल्कड एंड लो माइंड सफर वो समझता है कि जो नीचे नीचे दिमाग रखने वाले या बुरे लोग होते हैं वही नो जनरेशन पर जो इसके शिकार होते हैं एंड uh, वो बताता है कि अन विदाउट एनी पर्सन मेरिट बोस्ट ऑफ जनरे वो होता है जिसके पास कोई uh, कोई दलील नहीं होती है तो वही समझता है कि वो वही पोस्ट करता है वही दिखावा करता है नेशन पैस का तो अब अभी ये बात अब हम आजकल आज मेरे सामने भी देखते हैं कि नेशनल पज़ कहाँ तक पहुँच चुकी है ये तो उसने तब लिखी है लेकिन आज हम समझते हैं कि नेशन जो प्रजुडाइस है ये कौमी ऐलान होता है ये किस तरह से एक मुल्क को बर्बाद करता है आप आजकल कल आंखों के सामने डेयर स्टूडेंट्स ये सब चीज़ें देख रहे हैं आपके लिए इशारा ही काफ़ी है सो डेयर स्टूडेंट्स आई होप यू स्टे सेफ एट होम we have finished this the paragraph of this lesson and tomorrow we are uh, going to do the next paragraph thank you stay safe